हमीरपुर जिला के बड़सूर मंडल के बिज्जड़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व संगठन मंत्री स्वर्गीय चमनलाल शर्मा की 41वीं जयंती पर चमन संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 3 दर्जन लोगों ने रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। वहीं इस मौके पर कांगड़ा सहकारी ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कमल नैन विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने इस मौके पर रक्तदान भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कांगड़ा सहकारी बैंक ने किसानों को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सहयोग से राहत पहुंचाई है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व संगठन मंत्री चमनलाल शर्मा ने बेहतरीन कार्य संगठन में किए थे, लेकिन सन 2010 में चमनलाल की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। तब से लेकर चमन संस्था द्वारा हर वर्ष स्वर्गीय चमनलाल की जयंती पर रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। कांगड़ा सहकारी ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कमल नैन ने कहा कि कोरोना काल में बैंक ने केंद्र व राज्य सरकार की मदद से किसानों को हर संभव मदद मुहैया करवाई है। चमन सेवा संस्थान आज चमन ITI भेड़ू में इस आयोजन का, इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। अभी तक लगभग 40 लोग जो हैं वो ब्लड डोनेट कर चुके हैं। हमारा क्योंकि चमन जी की 41वीं जयंती है, तो हम हर बार जो लक्ष्य लेकर के चलते हैं वो यही लेकर के चलते हैं कि 41 मतलब जितने इसकी जयंती होती है कम से कम उतने लोग जो हैं वो डोनेट करेंगे। हमेशा उससे ज़्यादा बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आज भी 50-60 लोग जो हैं वो यहाँ पर रक्तदान करेंगे। देखिए, हमारा जो बैंक है ये बैंक किसानों के साथ जुड़ा हुआ बैंक है, बागवानों के साथ जुड़ा हुआ बैंक है, और हिमाचल प्रदेश का जो गरीब आदमी है वो कृषि ग्रामीण विकास बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी सुविधाओं को देखते हुए समय समय पर जो कोरोना काल बीता इसमें सरकार ने कई सुविधाएं दी। लोगों की जो EMI है उसके लिए समय बढ़ाया गया और कई तरह की छूटें जो थी और भी अन्य भी वो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दी गई। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य अश्विनी ठाकुर ने कहा कि उन्होंने स्वर्गीय चमनलाल शर्मा के 41वीं जयंती पर रक्तदान किया है। स्वर्गीय श्री चमन शर्मा जी की आज 41वीं जयंती है और चमन सेवा संस्थान के द्वारा ये आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। स्वर्गीय चमन शर्मा जी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने पढ़ाई के दौरान विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े और ऐसा विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद संगठन के लिए कुछ समय अपने जीवन का देता है, जिसे हम पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते जानते हैं। स्वर्गीय चमन शर्मा जी ने पूर्णकालिक इस शब्द को सार्थक करते हुए अपनी आखिरी सांस तक विद्यार्थी परिषद के लिए काम कार्य करते करते एक दुखद सड़क दुर्घटना में 13 जनवरी 2010 को उनका निधन हुआ। उन्हीं की 41वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आज जो ये ब्लड डोनेशन कार्यक्रम किया जा रहा है। स्वर्गीय चमन शर्मा जी हम जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं को सदैव प्रेरणा देने का कार्य करो।